अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं हम, वो है जी द ऑर्डनरी का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ऑर्डनरी का जो कंपनी है वो बहुत फेमस कंपनी है। इनके बहुत सारी स्किन केयर रेंज है इनकी, इनके बहुत सारे सीरम्स हैं। नाइसिनमाइड है इनका, पीलिंग सोल्यूशन है इनका, बहुत सारे सीरम्स हैं इनके। विटामिन सी में भी इनके काफ़ी सीरम्स हैं, इनके हेयर फॉलिंग के भी सोल्यूशंस हैं इनके। और आज जिसका हम लोग रिव्यू करेंगे वो है जी द ऑर्डनरी का हाइलुरोनिक सीरम। फर्स्ट हम इसकी जो है पैकेजिंग पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड है 2% इसमें, प्लस B5, विटामिन B5 भी इसके अंदर ऐड है। हाइड्रेशन है, सपोर्ट फार्मूला विद अल्ट्रा प्योर वेगन हाइलुरोनिक एसिड है। 30 ml की ये आप लोगों को बॉटल मिलेगी। इस तरह से इसकी ये पैकेजिंग है सारी। ठीक है जी, पैकेजिंग खोलेंगे हम लोग इस तरह से ग्लास बॉटल में, ये ड्रॉपर की सूरत में आप लोगों को ये हाइलुरोनिक सीरम जो है मिलेगा। हाइलुरोनिक एसिड सीरम दोनों एक ही चीज़ होती है। इन्होंने यहाँ पे एसिड मेंशन किया हुआ है तो एसिड है, तो वैसे हाइलुरोनिक सीरम है ये। ठीक है जी, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये है। सेंसिटिव स्किन टाइप जो है, सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B5 इसके अंदर ऐड है। ग्लूटाथायोन जो वाइटनिंग इफेक्ट के लिए यूज़ होता है वो भी इसमें ऐड है, तो वाइटनिंग इफेक्ट भी ये देता है। बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं, ये आपकी स्किन को प्लम्प करता है, बाउंस करता है। जो थिन स्किन हो जाती है डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से, उससे स्किन को रिपेयर करता है। हेल्दी स्किन होती है आपकी, बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। आपकी जो स्किन की मॉइस्चराइजेशन है उसको लॉक करता है ये। एंटी रिंकल है, फाइन लाइन्स और रिंकल्स को फेड करता है ये बहुत ज़्यादा। अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है द ऑर्डनरी कंपनी का हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है जी, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसको लगाने का तरीका होता है। हाइलुरोनिक एसिड सीरम या एसिड कोई भी आप लें, जब भी आप इसको लगाएंगे, इसका लगाने का एक ख़ास मेथड है। इसको आपने अपनी स्किन को सबसे पहले तो क्लीन करना है, ठीक है, ड्राई करना है, यानी कि आपकी क्लिनजिंग हो जानी चाहिए। क्लिनजिंग के बाद आपने इसका ड्रॉपर की सूरत में ये है इस तरह से। मैंने ख़ुद भी यूज़ किया, इसके सारे सीरम्स ऑलमोस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देते हैं। और ये तो एक समझ लें मिरेकल वाला सिस्टम है कि आपकी ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी स्किन पे आता है। ठीक है जी, लगाने का तरीका ये है कि जी सबसे पहले आपकी स्किन को क्लेंस करना है। ठीक है, क्लेंस करने के बाद आपकी स्किन हल्की सी वेट होनी चाहिए, ये ड्राई स्किन पर नहीं लगता। ठीक है जी, ड्राई स्किन पर कोई भी हाइलुरोनिक सीरम हो, किसी भी कंपनी का हाइलुरोनिक सीरम हो, एसिड हो, वो ड्राई स्किन पे नहीं लगता। आपको उसको लगाने के लिए, जैसे आप फेस वॉश करते हैं, उसको हल्का सा टैप करके, जो बहुत ज़्यादा गीला होता है फेस, उसको ड्राई कर लें। मेरे पास यहाँ एक स्प्रे बॉटल है, रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर अगर आपके पास है तो आप वो स्प्रे कर लें, यानी कि वेट होना चाहिए आपका फेस। ठीक है जी, इस तरीके से जो है ना, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके का वेट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें वो वाटरी भी नहीं होना चाहिए कि लगे तो बिल्कुल फील ना हो। ठीक है, ये देख लीजिए, इतना सा हल्का सा ये वेट होना चाहिए। जस्ट आपने एक या दो ड्रॉप्स अपने फेस के अकॉर्डिंग लेने हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इस तरह का स्टिकी सा है। और स्टिकी का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा इसको मसाज करें और मसाज करने के बाद आपकी स्किन में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, गीली स्किन में आप लोगों ने लगाना है। ये देख लीजिए, हल्का हल्का सा आपने इसको लाइटर हैंड से मसाज करना है। अगर आपके पास जेड रोलर है फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, आप जेड रोलर से भी आप कर सकते हैं। कुछ आने वाली वीडियोस में आपको जेड रोलर के बारे में भी बताऊंगी, वो अगर आप स्किन करते हैं स्किन को कैसे लिफ्ट करता है और कैसे पेनिट्रेट हो जाते हैं सारे सीरम्स जेड रोलर की वजह से। ठीक है, अभी चूंकि मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको वैसे करके दिखाती। आपने हल्का हल्का सा मसाज करना है, तब तक मसाज करना है जब तक आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा आपकी स्किन में। देन आपने इसको ड्राई करने के लिए थोड़ा सा छोड़ देना है कि बिल्कुल आपको फील हो कि ये ड्राई हो गया। वैसे तो ये बहुत लाइट वेट है, लगाने के बाद बहुत अच्छा इसका जो है ना रिज़ल्ट आता है। आपका मॉइस्चर बहुत अच्छा हो जाता है, स्किन का जो एक पैची स्किन हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप हम इसको ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें, आप इसके ऊपर लगा लें। फिर डैपिंग लोशन में आप लोगों ने लगाना है ताकि आप लोगों की स्किन पर अच्छे तरीके से, और आप देखेंगे कि दिनों में हाइलुरोनिक एसिड
आपका जो है आपके स्किन पे ग्लो लेके आएगा और आपके स्किन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले तो फाइन लाइन और रिंकल्स, एजिंग का जो इफेक्ट आता है वो सबसे बड़ा इशू होता है, उसको जो है ना रिजॉल्व करना शुरू करेगा हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, बेसिक हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं कि जी ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो दी ऑर्डिनरी का सीरम है ये आप लोग ऑल स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट में बताना है कि अगला हम किस प्रोडक्ट का रिव्यू करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।